बराबरी की तो बात छोड़ दे छोटे, भले ही पूरा गार्डन है तेरे पास पर उसमें घास नहीं है, और जहां हम खड़े तू उसके आस पास भी नहीं। हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं कि टिकटॉक स्टार पूजा प्रियंका दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल से कितने महीने की कमाती हैं। तो हम सारा कुछ इस वीडियो में आपको विद प्रूफ के साथ में दिखाने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। अंबर से आई है परियों की रानी, ये रंग है बदले। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि टिकटॉक स्टार पूजा प्रियंका दोस्तों टिकटॉक की वजह से आज यूट्यूब पे भी छा गई है दोस्तों, और इनके यूट्यूब चैनल पे भी दोस्तों 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। अगर ये सब हो पाया है दोस्तों तो आप सबकी सपोर्ट और आप सबकी प्यार की वजह से, और वो दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स वीडियो बनाती हैं जो रियलिटी है दोस्तों, उनके लाइफ में जो चल रहा है वो दिखाती हैं, और वो वीडियो दोस्तों लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, जिसकी वजह से दोस्तों कुछ ही सालों में उनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं, और वो बहुत अच्छा खासा कमा रही है, और अपने YouTube की कमाई से दोस्तों उन्होंने बहुत अच्छा घर भी बनाया है और बहुत अच्छी खासी लाइफ स्टाइल जी रही हैं। तो अगर ये सब हो पाया है तो बस आप लोग की प्यार से दोस्तों, जो कि आप लोग इतना ज़्यादा प्यार सपोर्ट करते हैं, बस इसी तरह उन्हें अपना प्यार सपोर्ट करते रहिए। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि पूजा प्रियंका दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल से दोस्तों बहुत अच्छी खासी अभी कमाई कर रही हैं। उनकी कमाई की बात की जाए दोस्तों तो उनके हर महीने 50,000 से लेकर दोस्तों 1 लाख तक की कमाई उनके यूट्यूब चैनल से हो जाता है, बल्कि दोस्तों वो स्पॉन्सर तो उतना करती नहीं है, लेकिन दोस्तों फिर भी वो यूट्यूब से अच्छी खासी कमा रही है, और उनकी लाइफ स्टाइल भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है पहले से। आप लोगों ने उनके वीडियो में देखा ही होगा दोस्तों, और अभी तक उनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उनका चैनल है दोस्तों प्रियंका हार्डवर्क के नाम से, जहाँ पे दोस्तों 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, तो जल्दी से जाइए सपोर्ट कीजिए और उनकी वीडियो को देखिए, और उनकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।